दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में झुकी झोपड़ी में रहने वालों का पक्के घर का ख्वाब हुआ पूरा बहाली स्कीम के तहत वजीर आजम ने तीन हजार चौबीस फ्लैट की चाबियां मुस्तक के हवाले की प्रोजेक्ट का पहला मरहला तीन सौ पैंतालीस करोड़ रुपए की लागत से हुआ मुकम्मल बंगलुरु में सरमाकारी कर्नाटक 2022 का हुआ आगाज़ वजीर आजम ने कहा कि दुनिया की मौजूदा सूरत हाल में भारतीय मीशत पर दुनिया का बड़ा एतम इक्कीसवीं सदी के नए भारत में असलाहत का अमल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमाकारी और हुनर का सही इस्तेमाल शामिल जमहूरी और खुशहाल भारत दुनिया की तरक्की को करेगा मजबूत रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने आईएमएफ को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती मीशतों में से एक करार दिया कहा महंगाई की सूरत हाल पर है रिज़र्व बैंक की गहरी नज़र डिजिटल करेंसी का खुदा ट्रायल महीने के आखिर तक होगा शुरू ईडी ने झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को गैर कानूनी कानकनी के मामले में पूछताछ के लिए किया तलब तफ्तीश के लिए कल सुबह रांची में हाजिर होने का हुक्म जे एम एम ने तहकीक को समझ से परे दिया करार बीजेपी का दावा है कि हेमंत के खिलाफ तहकीक के पुख्ता सबूत हैं मौजूद हिमाचल में बीजेपी की इंतबी मुहिम शवाब पर बीजेपी के कौमी सदर ने बिलासपुर में की इंत रैली कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि वजीर आजम कांग्रेस के दौर में छुट्टियां मनाने आते थे हिमाचल मरकजी वजी दाखिला ने नादोन में की इंत रैली कांग्रेस को बताया खानदान परस्ती की शिकार पार्टी और टी ट्वेंटी आलमी कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने विराट कोहली महिला जयवर्धन का तोड़ा रिकॉर्ड एडलिट में खेले गए मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश के सामने रखा एक रन का हदफ आदम नाजरीन खबरनामे में आपका इस्तकबाल है मैं हूँ आपके साथ रेशमा फारूकी तफस से खबरों पर नजर डालते हैं दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हजारों कुनबों के लिए आज का दिन इंतहाई अहम है वजीर नरेंद्र मोदी ने आज नौतामीर शुदा तीन हजार चौबीस ई डब्ल्यू एस का अफ्ताह किया और फ्लैटों में रहने वालों को उनकी चाबियां सौंपी वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने आज ई डब्ल्यू एस मकान का अफ्त किया और फ्लैटों की चाबियां माली एजबार से कमजोर तबके के अफरा को सौंपी ये मकाना दिल्ली के कालकजी में इनिशिएटिव स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए हैं सभी के लिए मकानात फ्राहम करने के वजीम के विजन के मुताबिक दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से तीन सौ छिहत्तर झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टरों की बहाली का काम किया जा रहा है बहाली के इस मंसूबे का मकसद कच्ची आबादियों के मकिनों को मुनासिब सहूलियात के साथ बेहतर और सेहतमंद माहौल फराहम करना है हम बहुत सालों से वेट कर रहे पचास सालों से वेट कर रहे थे के लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं फ्लैट मिलेगा बच्चों का सर्वे छत हो जाएगा इससे बड़ी खुशी की बात है तो मोदी जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं बहुत खुशी है आज इतने साल हो गया इतने सालों के बाद मकान मिल है। आ, बहुत दिन, बहुत दिन रहा पचार, पचार है मोदी जी का धन्यवाद है बहुत इंतजार कर रहे हैं कम से कम पचास चालीस पचास साल ऐसी हो गए करीब अभी मोदी जी का धन्यवाद है जो उनकी कारण हम भी ये जगह मिल रहा है ये फ्लैट मिल रहा है हमें बहुत खुशी है बहुत खुशी है।, है बहुत दिन हो गए जुगन में पचास साल रहते रहते अब बहुत खुशी है कि हम मकान में जाएंगे हमें मकान मिलेगा डीडीए ने कालकाजी एक्सटेंशन जेलर वाला बाग और कठपुतली कॉलोनी में ऐसे ही तीन मंसूबे शुरू किए हैं कालकाजी एक्सटेंशन प्रोजेक्ट से कालकाजी में कायम कैंप नवजीवन कैंप और जवाहर कैंप की तीन झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों की बहाली का काम मरहलावार तरीके से किया जा रहा है पहले मरहले में खाली पड़े एक कमर्शियल सेंटर पर तीन हज़ार चौबीस फ्लैट्स तमीर किए गए हैं अहल कुंबों को नए तामीर शुदा ई डब्ल्यू एस फ्लैटों में मुंतकिल करके झुग्गी झोंपड़ी वाली जगह को खाली किया जाएगा कैंप वाली जगह खाली करने के बाद इस ज़मीन को दूसरे मरहले में नौजीवन कैंप और जवाहर कैंप की के बहाली के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ये एक फ्लैट है इस फ्लैट में गुस्से के साथ ही यहाँ पर लिविंग रूम बनाया गया है लिविंग रूम के साथ ही यहाँ पर एक रसोई बनाई गई है रसोई के अंदर भी खिड़की दी गई है लिविंग रूम के अंदर भी खिड़की दी गई है शौचालय के साथ ही यहाँ पर एक स्नान गृह बनाया गया है हवादार मकान को फ्लैट को बनाया गया है और इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी बालकनी भी दी गई है यहाँ पर खड़े हो सकते हैं झुग्गीवासी रहेंगे उनको एक अलग अनुभूति होगी क्योंकि जिस तरह से वो पिछले काफ़ी समय से नार के जीवन जी रहे थे अब उन्हें एक अच्छा समय उनके लिए आया है और ये अच्छा समय आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से क्योंकि उनको अब फ्लैट मिल रहे हैं इस प्रोजेक्ट का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है तीन हज़ार चौबीस फ्लैट्स तैयार हालत में हैं फ्लैट्स की तमीर में तीन सौ पैंतालीस करोड़ रुपये खर्च हुए हैं फ्लैट तमाम शहरी सहूलियात से आरास्त हैं इसमें वेट्रीफाइड फ्लोर टाइल्स सीरेमिक टाइल्स रसोई घर में उदयपुर ग्रीन मार्बल काउंटर से फिनिशिंग हुई है कम्युनिटी पार्क इलेक्ट्रिक सब स्टेशन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पानी की दोहरी पाइपलाइन लिफ्ट और साफ पानी की फ्राहमी जैसी सहूलियात मौजूद हैं

दस्तखत शुदा मुफाहमतनामे को मंजूरी दी गई वजी अजम मोदी और डेनमार्क के वजीर अजम मैटे फ्रेडरिक्सन ने तीन मई को दोनों ममालिक के दरमियान ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से एक मुशतरक बयान जारी किया था और वजी अजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में आलमी सरमाकार कॉन्फ्रेंस इन्वेस्ट कर्नाटक दो हजार बाईस की अफ्ताही तकरीब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया कॉन्फ्रेंस में तीन सौ से जायद नुमाइश गुलंदगान के साथ साथ कई कारोबारी नुमाइशों और दीगर सेशंस की मेजबानी की जा रही है जिसमें जर्मनी हॉलैंड जुनूबी कोरिया जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक शिरकत कर रहे हैं अफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए वजी अजम ने कहा कि आलमी बहरान के दौर में दुनिया भर के माशी माहरीन भारत को एक ब्राइट स्पॉट यानी रोशन मकाम बता रहे हैं यह भले ही ग्लोबल क्राइसिस का दौर है लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, विश्लेषक और अर्थव्यवस्था के जानकार भारत को ब्राइट स्पॉट बता रहे हैं और हम अपने फंडामेंटल्स पर लगातार काम कर रहे हैं ताकि भारत की अर्थव्यवस्था दिनों दिन और मजबूत हो पिछले कुछ महीनों में भारत ने जितने फ्री ट्रेड डील्स किए हैं उससे दुनिया को हमारी तैयारियों की झलक मिल चुकी है उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी इलाहात बड़े बुनियादी ढांचों और बेहतरीन सलाहियत की बदौलत ही नए भारत की तामीर हो रही है सरमायाकारों से भारत में सरमाकारी करने की अपील करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत में सरमाकारी का मतलब एक बेहतर दुनिया के लिए सरमायाकारी करना है भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन इंक्लूजन इन्वेस्टमेंट इन डेमोक्रेसी भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर द वर्ल्ड भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर प्लेनेट भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ क्लीन सेफर प्लेनेट आइए हम मिलकर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बदलने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़े अगली खबर की जानी बढ़ते हैं वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कर्नाटक में आलमी सरमा की कॉन्फ्रेंस इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 हजार बाईस के अफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वजी अजम नरेंद्र मोदी की अकतसादी पॉलिसियों और उनकी क्यादत का नतीजा है कि मौजूदा वक्त में इकतदी सुस्त रवि के दरमियान भी भारत की मीशत मजबूती से कायम है targeted facilitation, fiscal prudence and essentially understanding Indian economy for what strength it's ha it strengths that it has, and for the challenges that it has to face, honourable Prime Minister led from the front and made sure that Indian economy will not be severely threatened by these developments outside. Ensured that hand happened, targeted supports were extended to industries which required. डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी का ट्रायल शुरू हो चुका है डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट को तारीखी कामयाबी करार देते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि पूरी मैशत का कामकाज इससे जुड़ा हुआ है शक्तिकांत दास ने कहा कि रिजर्व बैंक दुनिया के उन चुनिंदा सेंट्रल बैंकों में शामिल है जिसने पहली बार इस तरह की पहल की है रिजर्व बैंक मुस्तक करीब में सी, सी को पूरी तरह से लॉन्च करने की कोशिश करेगी फॉरवर्ड इटव मोमेंट इटवीवमेंट सो फॉर एज द फंक्शनिंग ऑफ दर इकोनॉमी it's going to be a major transformation of the way business is done the way transactions are conducted and the reserve bank is among the very few central banks in the world which have uh, taken this uh, uh, initiative shaktikant das ne kaha ki aalmi maishat ab tariqe dor se guzar rahi hai unhone kaha ke aise ghair yaqeeni mahol mein bhi bhartiya maishat mein muzasil izafa dekhne Strength from its macroeconomic fundamentals and buffers. According to the IMF, India is slated to be one of the fastest growing major economies of the world in the current year as well as in the next year. Our recovery and growth have been more broad based. Our policies, fiscal, monetary, and regulatory, were prudent, targeted, and time bound. We were careful to ensure that demand remained within balance.

The prowess of Arjuna. But our constant endeavor is to keep an Arjuna's eye on inflation. Other related factors like the evolving inflation growth dynamics, soft indicators like our surveys of consumers and surveys on consumers and businesses, global macroeconomic, financial, and commodity market developments, and aspects of financial stability. ईडी ने झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को गैर कानूनी कानकनी और मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में समन भेजा है ईडी ने वजीर आला हेमंत सोरेन को 3 नवंबर को सुबह साढ़े ग्यारह के लिए बुलाया है उन्नीस जुलाई को वजीर आला हेमंत सोरेन के एमएलए के नुमाइंदे पंकज मिश्रा को गैर कानूनी कानकनी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था पंकज मिश्रा पर गैर कानूनी कानकनी के जरिए बयालीस करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है पंकज मिश्रा की के बाद एक सरकारी बयान में ईडी ने कहा था कि रियासत में एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की गैर कानूनी कानकनी हुई है छह मई 2022 को ईडी ने पहली बार झारखंड के मौतल माइंस एंड इंडस्ट्री के सेक्रेटरी पूजा सिंघल समेत दीगर के कम से कम 25 मकामात पर छापे मारे थे इसके बाद मौतल आईएएस पूजा सिंघल के शौहर अभिषेक झा के सीए ए सम्मन कुमार के घर और दफ्तर से 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई थी दूसरी जाने बीजेपी के रियासती सदर दीपक प्रकाश ने कहा कि गैर कानूनी कानकनी मामले में वजीर अला सोरेन के खिलाफ सबूत मिले हैं जिसकी तस्दीक भी अखबारों में हुई है उन्होंने कहा कि सबूत की बुनियाद पर जारी किया गया ईडी का समन काबिल इस्ताल है माइंस घोटाले के रूप में पूरे झारखंड की जनता जानती है कि अपने नाम पर अपने प्रेस एडवाइजर्स के नाम पर अपने विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के नाम पर अपनी पत्नी के नाम पर जमीन का आवंटन किया है हजारों हजार करोड़ रुपए की इलीगल माइनिंग हुई है जिसकी पुष्टि उनके अखबारों में आ रही है साक्ष्य भी अब सामने आ रहा है और साक्ष्य के आधार पर अगर मुख्यमंत्री जी को समन कर रही है ईडी तो वह तो स्वागत योग्य कदम है और बीजेपी के कौमी सदर जे पी नड्डा हिमाचल के दौरे पर हैं। उन्होंने बिलासपुर के पंचगायन में एक जलसायाम से खिताब किया जलसायाम से खिताब करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार की वजह से बिलासपुर जैसे शहर को एम्स जैसी सहूलियात मिल पाई है कभी बिलासपुर में सोचा गया था कभी हिमाचल को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मिलेगा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है हमारी जनसंख्या 60 लाख है उसको भी एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मिला और हिमाचल को भी ये साठ लाख की जनसंख्या के लिए एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल ये पांच साल जिसमें से दो साल कोरोना में गए यानी तीन साल के अंदर चौदह करोड़ रुपए का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो पीजीआई से बढ़िया दिल्ली के एम से बढ़िया उसको बनाकर के यहां पर आदरणीय मोदी जी ने दिया है ये हमको याद रखना है उन्होंने अपोजिशन यानी कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस के दौर में वजीर आजम हिमाचल सिर्फ गर्मी के मौसम में सियासी सियासत के लिए आते थे उन्हें रियासत की फिक्र नहीं थी लेकिन आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी आपके साथ खड़े हैं 70 साल गुजर गए आजादी के आपने भी देखा हमने भी देखा कौन पूछता था हमें किस भाव डालते थे हमारी कीमत यहां प्रधानमंत्री उस समय पॉलिटिकल टूरिज्म में आया करते थे गर्मी का मौसम आया तो आ गए कभी यहां की चिंता नहीं की कभी यहां के बारे में सोचा नहीं और आप और हम प्रधानमंत्री के बारे में कहते थे कि जब प्रधानमंत्री आए थे जब प्रधानमंत्री आए थे यानी एक ऐसा ओकेजन हो जाता था जैसे प्रधानमंत्री कभी आए हों और आज प्रधानमंत्री मोदी जी हर पुकार पर आपके बीच में रहते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं ये हमको है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और आपको हम यहां बता देते हैं कि जो मैच अभी आप देख रहे थे उसमें इंडिया की जीत हो चुकी है अभी अभी ये खबर ब्रेक हुई है कि भारत ने दिलचस्प मैच में बांग्लादेश को पाँच रन से शिकस्त दे दी है और आज भारत जीत के साथ हमारे सामने है अर्शदीप ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और भारत ने बांग्लादेश को जीत के लिए एक रन का हदफ दिया और ये भी आपको बता दें कि आई सी सी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप अभी आप देख रहे थे जिसमें भारत ने अपनी मैच अपनी जीत दर्ज की है भारत ने दिलचस्प मैच में बांग्लादेश को पाँच रन से शिकस्त दे दी है अर्शदीप ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और भारत ने एक 185 रन का हदफ रखा था बांग्लादेश के सामने आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में ये मैच अभी आप देख रहे थे अगली खबर की जाने बढ़ते हैं मरकजी वजी दाखिला अमित शाह रियात में आज मुसलसल दूसरे दिन इंत रैलियां कर रहे हैं नादोन में एक बड़े जलसायाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अब तक सिर्फ कुनबा परवरी को फरोख दिया है वहीं वजीर अजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुल्क और रियासत की मुसलसल तरक्की हो रही है इसी तरह कांग्रेस चालीस साल तक वन रैंक वन पेंशन स्कीम को नजरअंदाज करती रही थी चालीस चालीस साल से हिमाचल के ये बेटे उनका परिवार वन रैंक वन पेंशन की मांग चालीस साल से करते थे मगर एक कांग्रेस के बहरे कानों पर सुना ही नहीं पड़ता था आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 2015 में मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन को करोड़ रुपया हमारे सेना के जवानों के परिवार के बैंक अकाउंट में डालने का काम किया इसी दौरान उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर में रैली से खिताब किया उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को महफूज रखने और तरक्की को रफ्तार देने ने इस रियासत में रोजगार के लिए डबल इंजन की हुकूमत फिर से बननी चाहिए हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए हिमाचल के विकास को तेज गति देने के लिए हिमाचल के नौजवानों के लिए और विकास किस गति को स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के लिए माताओं बहनों के सम्मान और स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार फिर से बननी चाहिए अगली खबर की जान बढ़ते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कर्नाटक बीजेपी लीडर प्रवीण नेटारू के कत्ल में मतलूब चार पी एफ आई लीडरों की तस्वीर जारी की है इसके साथ सुराख देने वाले को दो से पांच लाख रुपए के इनाम देने का भी ऐलान किया गया है नटारू बीजेपी युवा मोर्चा के रुकन थे उन्हें 26 जुलाई को जुनूबी कर्नाटक जिले के बेलारी में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चारों मतलूब अफराद की तफसी उनकी तस्वीर के साथ शेयर की हैं एन ने मुलिम मोहम्मद मुस्तफ़ा वालिद उम्र साकिन और उमर साकििन बेलारी पर पाँच लाख रुपए मुलिम तुफैल मोहम्मद वल्द हामिद मोहम्मद साकििन और गोडागू पर पाँच लाख रुपए इसी तरह मुलिम उमर फ़ारूक़ वल्द रफीक साकििन बेलारी जुनूबी कन्नड़ जिला और दो लाख रुपए बकर सिद्दीक उर्फ पेंटर सिद्दीकी के वालिद अली कन्हई साकििन और जुनूबी कन्नड़ जिले पर भी दो लाख रुपये के इनाम का ऐलान किया है गुजरात के शहर मोरबी में पुल टूटने के वाकये में गिरफ्तार नौ अफराद की मुश्किलें और बढ़ गई हैं मोरबी राजकोट बार एसोसिएशन ने कंपनी के मुल्जिमों का मुकदमा न लड़ने और उनकी नुमाइंदगी नहीं करने का फैसला किया है एसोसिएशन ने कहा है कि जिले का कोई भी वकील मोरबी हादसे में मुलविस मुलजिमों के दिफा में मुकदमा नहीं लड़ेगा दोनों बार एसोसिएशन ने इस तजवीज पेशबाज किया और मोरबी अदालत ने मोरबी में केबल ब्रिज गिरने के वाकई में चार मुलजमीन को पांच नवंबर तक पुलिस हिरासत में और दिगर मुलजिमों को अदालती तहवील में भेज दिया है अब एम्स भी मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के लिए एक मैार की तय करेगा और उसे नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एन ए बी एस से सर्टिफिकेट लेगा इस में पहली पहल शुरू हो गई है इसके लिए एम्स के बर्न एंड प्लास्टिक डिपार्टमेंट के पचास को मुलाजमीन को भी तरबियत दी गई है एम्स के बर्न एंड प्लास्टिक डिपार्टमेंट को मार्च 2023 तक एन ए बी एच सर्टिफिकेट मिल जाएगा इसके बाद एम्स ट्रामा सेंटर को एन ए बी एच सर्टिफिकेट मिलेगा अगले चंद सालों में एम्स को मुकम्मल एन ए बी एच सर्टिफिकेट मिल जाएगा अस्पतालों के शोबे में एन ए बी एच सर्टिफिकेट मिलना इस बात का सबूत है कि अस्पताल के अंदर फराहम की जाने वाली सहूलियात इंफ्रास्ट्रक्चर एक मैार के मुताबिक है यह सेहत की सहूलियत के मैार को बेहतर बनाने के सिमट में एक और कदम है पेशेंट्स के नंबर बढ़ते रहें उसके बाद भी हम क्वालिटी सेम रखें पेशेंट्स की उसके लिए हमको डेफिनेटली एन बी गाइडेंस मिलेगी क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है पेशेंट की क्वालिटी और सेफ्टी सपोज करिए एक सिस्ट एक 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 एक, एक आईसीयू है जिसमें कि पहले पांच पेशेंट सीरियस थे पंद्रह में से अब दस सीरियस आने लगे या पंद्रह सीरियस आने लगे अब आप अगर कॉमन सेंस लगाएं तो हम बोलेंगे पाँच से तो काम अच्छे से होगा पंद्रह है तो अच्छे से नहीं हो पाएगा वह हमारी कॉमन सेंस है लेकिन ऐसा है आज की तरह की साइंस में सेम स्टाफ से एफिशिएंसी बढ़ सकती है प्रोसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि उस स्टाफ को आप सपोर्ट मिलेगी नीचे स्टोर की एक एन एक तरह का प्रोटोकॉल प्रोसेस डिपेंडेंट एक सिस्टम है जो हम स्ट्रेस करते हैं जिसमें बाहर के लोग आके हमारी फैसिलिटी को जज करते हैं जो एन की टीम आएगी तो आई थिंक ये बहुत ही प्रोग्रेसिव और दूरदर्शिता वाला मामला है जिससे पेशेंट्स की लाइफ और उनकी केयर में बहुत ही और ज़्यादा सुधार बढ़कर आएगा और बैक्वा खबरों में इसराइल में बैंजमिन नेतन्याहू एक मरतबा फिर से वजीर अजम सकते हैं मंगल को वज़ी अजम के अहदे के लिए इंतबात के बाद एग्जिट पोल में नितिन सरकार में वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं एग्ज़िट पोल के मुताबिक इसराइली पार्लियामेंट की एक सौ बीस सीटों में से इकसठ बासठ सीटें नतन की पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं वहीं दूसरी तरफ मौजूदा वजीर अजम या लॉब की पार्टी को एग्जिट पोल में चौवन पचपन सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं हालांकि इब्तदाई एग्जिट पोल इंतबाब के आखिरी नतज से अलग हो सकते हैं इसराइल में चार साल से भी कम वक्त में पांचवीं मरतबा कराए गए हैं और डेनमार्क की वजीर अजम मैटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि पार्लिमानी इंतबात में सबकत के बावजूद वो इस्तीफा दे देंगी उन्होंने कहा कि वो वसी हिमायत के साथ एक नई हुकूमत की तश्ील करना चाहती हैं डेनमार्क में कल पार्लिमानी इंतबात के लिए वोटिंग हुई इब्तदी नतज के मुताबिक फ्रेडरिक्सन की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी मजबूत हालत में है और सेंट्रल लेफ्ट लॉक पार्लियामेंट में अक्सरियत की अदत से एक नशस्त ज्यादा मिलती नजर आ रही है कोपरहेगन में अपने खामियों से मिलने के बाद फ्रेडरसन ने इंत नतज पर खुशी का इजहार किया इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो नई हुकूमत बनाने के बारे में दीगर जमातों के साथ मीटिंग करेंगी और जायर बोलसनारो ब्राज़ील इंतबात में मिली हार के बाद इकतदार की मुंतकली के लिए तैयार हो गए हैं लेकिन उन्होंने वाजी तौर पर अपनी शिकस्त कबूल नहीं की है ब्राज़ील में इतवार को आम इंत के लिए पोलिंग हुई थी इनमें बाएं बाजू की वर्कर्स पार्टी के लीडर लूला डिसल्वा ने इंतहाई सख्त मुकाबले में बोलसिनारो को शिकस्त दे दी है ब्राज़ील के सदर बोलसोनारो की शिकस्त से उनके हामी मुश्तिल हो गए थे हामियों ने मुल्क के कई हिस्सों में फसादार करवाए थे और बोलसोनार ने अपने से बहाल रखने के लिए कहा है बोसोनारो के चीफ ऑफ स्टाफ श्रीनो गोसोनारो ने, ने मुझे इक्तदार की मुंतकली का अमल शुरू करने के लिए कहा है फिलहाल इतना ही इजाजत दें आदा